हेलो फ्रेंड्स, अमित जी सेंटर में आप सबों का स्वागत है। और आज का चैप्टर हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। तो त्रिभुज के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे कि त्रिभुज क्या है, और उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ेंगे त्रिभुज, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज के टाइप्स क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज को दो भागों में बांटेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भुजा के आधार पर जो त्रिभुज है, ट्राइंगल है, वो कितने टाइप्स के होते हैं। और सेकेंड है हमारा कोण के आधार पर, यानी कि एंगल्स के आधार पर, कोण के आधार पर। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ट्राइंगल है या जो हमारा त्रिभुज है, उसके बारे में हम सबसे पहले जो उसका बेसिक है उसे समझ लेते हैं, क्योंकि यदि हमारा कोई एग्जाम नहीं भी निकलता है तो आने वाला अगला जो एग्जाम है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें उसका पूरा पूरा जो अध्ययन है उसे करना चाहिए। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि त्रिभुज क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारा समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भुजा के आधार पर हमको तीन टाइप्स के त्रिभुज मिलते हैं, ट्रायंगल मिलते हैं। सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज। तो हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज हमारा वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हमारा कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यदि हमने यहाँ पे इसकी भुजाएं, यदि हमने कहा है कि भुजाएं बराबर होती है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है तो बराबर भुजाओं के सामने के जो एंगल्स है, यानी कि कोण है, वो भी हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि समबाहु त्रिभुज में यदि भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके जो कोण हैं, एंगल हैं, वो भी हमारे क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे और सदैव बराबर मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पे दो भुजाएं ले ली। हम मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, और जो तीसरी हमारी भुजा है ये इन दोनों से क्या है, डिफरेंट है। तो इसकी माप कुछ भी ले सकते हैं हम। तो ये दोनों भुजाएं हमारी क्या है, बराबर मिलती हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसा कि हमने पहले त्रिभुज में कहा था कि यदि तीनों भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के जो तीनों कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज हमने लिया है, यहाँ पे यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके दोनों कोण जो हैं वो हमें बराबर मिलेंगे, यानी कि ये कोण और ये कोण हमें क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। लेकिन जो तीसरा कोण है ये हमको क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज की ओर। तो विषमबाहु त्रिभुज हमारे क्या होते हैं, जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती है, यानी कि सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं, उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो आप किसी भी टाइप का जो है ट्रायंगल बना लीजिए, इसमें आपकी तीनों जो भुजाएं हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, यानी इस भुजा की माप अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, साथ में जो इनके कोण है ये भी तीनों क्या होंगे, ये भी तीनों हमारे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो हम इसे कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो हम त्रिभुज के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद ही उसे सॉल्व करेंगे। तो आगे देखते हैं हम, जो फर्स्ट जो इसका टाइप है यानी भुजा के आधार पर, वो हमने देखा कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं और कैसे होते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं कि कोण के आधार पर। तो हमें कोण के आधार पर देखना है कि कितने टाइप के त्रिभुज होते हैं। तो हमने जो है भुजा के आधार पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं कोण के आधार पर।
तो कोण के आधार पर भी यहाँ हमें तीन टाइप्स के त्रिभुज मिलेंगे। तो पहला हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा आपका हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में क्या अंतर होता है, क्योंकि ये ही अंतर आपको क्लियर करेंगे और ये अंतर आपको हेल्प करेंगे हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो कि आपका जो है आपके सिलेबस का नेक्स्ट चैप्टर है एनसीएल का। और समकोण त्रिभुज में जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनको भी सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। तो यहाँ देखते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है वो क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में जो हमारा एक कोण होता है, अगर हमने ये एक ट्राइंगल लिया है और इसका हम एक नाम दे देते हैं ए बी सी, तो यहाँ पे जो एंगल सी है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि 90 डिग्री का है। तो कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए, और आपको एक ही कोण मिल पाएगा। एक कोण आपका क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, इसका मतलब है 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपका ये जो कोण है यह आपका कहलाएगा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है हम इसको कहते हैं कर्ण। उसके बाद में जो आपकी दो भुजाएं जो बच रही हैं, वो दो भुजाएं बचती हैं आपकी सी बी और ए सी। अब इन दोनों में से आपकी एक भुजा कहलाएगी आधार और दूसरी भुजा कहलाएगी लंब। लेकिन इन दोनों में से कौन सी भुजा लंब होगी और कौन सी आधार होगी वो हमारा निर्भर करता है कि इन दोनों कोणों में से हम किस कोण को लेते हैं, यानी कि इन दोनों कोणों में हम किस कोण का मान थीटा मानते हैं या किस कोण को लेकर के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों में से कोई भी लंब और आधार हो सकता है, वो क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यून कोण होता कितना है, 90 से यदि कम है, यदि कोण का मान 90 से कम है तो वो आपका क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। और यदि कोण का मान 90 डिग्री है तो वो आपका क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। तो न्यून कोण त्रिभुज हमारा क्या होगा, यदि किसी ट्राइंगल में सभी कोणों के मान न्यून कोण है, सभी कोणों के मान यदि न्यून कोण है तो वो आपका क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये आपका एक न्यून कोण त्रिभुज है। इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू दे दीजिए, यहाँ पे हम 60 डिग्री और 60 डिग्री दे सकते हैं। तो ये हमारा एक न्यून कोण त्रिभुज का एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने सभी जो कोण है वो हमने 60-60 डिग्री ले लिए हैं, और ये एक समबाहु त्रिभुज का भी एग्जाम्पल है। लेकिन हम यहाँ पे इसकी वैल्यू ये ना रख करके अन्य वैल्यूज भी रख सकते हैं, जैसे हम एक दूसरी वैल्यू रख लेते हैं इसमें। यहाँ आप रख लीजिए 70 डिग्री रख लीजिए, यहाँ आप 45 रख लीजिए, और यहाँ पे 65 रख लीजिए। यहाँ अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी रखिए, लेकिन क्या होना चाहिए, इनके जो तीनों अंतःकोण है, अंतःकोण मतलब जो त्रिभुज के अंदर के जो तीनों कोण बनते हैं हमारे, इन तीनों का जो टोटल योग आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री ही आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप कोई भी यहाँ पे वैल्यूज जो है कोणों की रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या है, न्यून कोण में तीनों जो कोण होते हैं वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। इनके वैल्यूज जो है डिफरेंट हो सकती है लेकिन वो 90 से कम ही होंगे सारे कोण। नेक्स्ट हमारा है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज हमारा क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज हमारा वो त्रिभुज होता है जिसमें हमारा एक कोण जो है 90 डिग्री से ज्यादा होता है, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा जो कोण होता है उसे ही हम अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज को आइए हम बना लेते हैं। तो हम इस कोण का नाम दे लेते हैं ए बी सी, और यहां पे इस कोण को हम 120 डिग्री ले लेते हैं यदि मान लेते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो ये हमारा कोण है इसकी वैल्यू कितनी है,
इसकी वैल्यू 90 से ज्यादा है, तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, अधिकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये तो हमारा जो बेसिक था त्रिभुज के बारे में वो हमने पढ़ा। अब जो हमें एग्जाम्स में आने वाले जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते। तो यहां हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए त्रिभुज में कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज हमारा एक अधिकोण त्रिभुज का एग्जाम्पल है और इसमें हमें दो वैल्यूज दी हुई है। कोण ए का मान दिया हुआ है 120 और जो हमें कोण बी दिया हुआ है वो 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें जो कोण सी है उसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, पता करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि जो त्रिभुज आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस इजी भी हो सकते हैं और डिफिकल्ट भी हो सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही सरल क्वेश्चन है और आप इसे बहुत ही कम समय में सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, हमें कठिन और जो इजी क्वेश्चन है दोनों को ही लेकर के चलना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, हम कठिन प्रश्नों की तैयारी करते हैं लेकिन क्या होता है, बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं तो उन्हें हमें सॉल्व करने के लिए वो हमारे प्रश्न छूट जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में इजी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और बाद में क्या है, डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का जो त्रिभुज का जो चैप्टर है, ट्रायंगल का चैप्टर है, वो हमारा क्या है, पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए। तो देखते हैं हम यहाँ पे, हमारा जो एंगल ए दे रखा है वो हमारा 120 डिग्री दे रखा है और दूसरा एंगल दे रखा है 40 डिग्री और तीसरा एंगल यानी कि कोण सी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों कोण हमारे कौन कौन से दिए हुए हैं, यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्व, 120 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एक्स डिग्री, जो कि हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और हमें पता है कि इन तीनों का जो टोटल है वो 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 120 और 40 को जोड़ देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 160 डिग्री और प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो x है उसे हम इधर ही रहने देंगे और जो 160 है उसे हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे। तो 160 x के साथ में यहाँ प्लस के साथ है और जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 180 में से घट जाएगा। तो हम यहाँ पे इसे घटा लेते हैं, 180 में से 160 वैल्यू घटा दीजिए तो आपका कितना आता है, 20। यानी कि जो x की जो वैल्यू आ रही है आपको कितनी मिल रही है, 20 डिग्री मिल रही है। कहने का मतलब है कि जो आपको कोण C मिल रहा है, जो कि हमको फाइंड करना है, वो कितना मिल रहा है, वो आपको 20 डिग्री मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 20 डिग्री। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे हम एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी और सी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एंगल बी और एंगल सी का मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे दो कोणों की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि एंगल बी और एंगल सी के मान क्या होंगे। तो बहुत ही आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत ईजी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें इतना तो पता है कि तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप क्या कीजिए, इनके तीनों कोणों को जोड़ दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। तो हम यहाँ पे इसका पहला कोण क्या है, x प्लस 40 डिग्री और उसके बाद में हम दूसरा कोण जोड़ देते हैं, x प्लस 10 डिग्री। आप डिग्री बाद में लगा सकते हैं या साथ साथ भी लगा के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लस अब आपका यहाँ दिया है 30 डिग्री। तो इन तीनों कोणों को आप जोड़ दीजिए और यहाँ पे आपका जो योग आना चाहिए कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखिए जोड़ते हैं, x और x को हम एक साथ जोड़ देते हैं, यहाँ पे आता है 2x। उसके बाद में जो आपके डिजिट हैं उनको आप एक साथ जोड़ दीजिए तो कितना आ गया आपका, 50 और 30 80। तो ये आपका आता है 180 डिग्री और 2x को आप इधर ही रहने दीजिए और जो आपका 80 है ये 2x के साथ में प्लस है, तो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू बचेगी वो बचेगी 100
और यहाँ x की जो वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 50, यानी कि 50 डिग्री। लेकिन हमें क्या पूछा है, यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात हो गया है कि x की जो वैल्यू है वो 50 डिग्री है, लेकिन हमें ज्ञात करना है एंगल C और एंगल B फाइंड करना है। तो इन दोनों को हमें फाइंड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हम देखते हैं जो एंगल B है वो हमें कितना गिवन है, x+10। तो x+10 यदि हमें ये एंगल गिवन है तो हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू देखिए हमें कितनी मिली है, 50 मिली है, तो यहाँ पे रख दीजिए x की जगह 50+10, तो ये हमें कितनी मिल जाती है, 60 डिग्री। यानी कि जो हमारा कोण B है तो कोण B का जो मान है वो हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पे देखते हैं हम कि वो हमें कितना मिल रहा है, 60 डिग्री मिल रहा है। दूसरा हमें कोण C ज्ञात करना है, तो कोण C ज्ञात करना है तो कोण C हमारा कितना है, 30 डिग्री है, ये हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं एंगल A भी यदि हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम एंगल A को भी देख लेते हैं। एंगल A, अगर हमको जो कोण A है इसे ज्ञात करना है तो हमें x की जो वैल्यू है वो कितनी मिली है, x की वैल्यू हमको 50 मिली है और प्लस 40, तो ये हमारा आ जाता है 90 डिग्री। तो इस तरीके से देखिए यहाँ हमें क्या करना है, जो एंगल B की जो वैल्यू मिली है, एंगल V की वैल्यू हमें कितनी मिली है, यहाँ पे हम देखते हैं 60 डिग्री, और जो एंगल C की वैल्यू है वो 30 डिग्री हमें दे रखा है, और जो एंगल A की वैल्यू हमने फाइंड की है वो हमें कितनी मिली है, 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमें क्या है, इस त्रिभुज के तीनों जो एंगल है वो हमें मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कोण ए सी बी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है और इसमें हमें क्या करना है, ए सी बी, यानी कि हमको ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें कोण ए की जो वैल्यू दी हुई है वो 60 डिग्री दी हुई है, कोण बी की जो वैल्यू दी है वो x+10 डिग्री दे रखी है, और एक हमें बाह्य कोण दिया हुआ है। तो बाह्य कोण क्या होता है, जो हमारा ट्राइंगल से बाहर जो कोण होता है उसे हम बाह्य कोण कहते हैं। अगर हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पर, तो इस ट्राइंगल के अगर हम सारे बाह्य कोण देखते हैं तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्या कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा, और यहाँ पर ये आपका बाह्य कोण कहलाएगा, और यहाँ पर ये आपका बाह्य कोण कहलाएगा। तो ये आपके यहाँ पर तीन बाह्य कोण हो गए, और अंतःकोण आपके ये तीनों कहलाएंगे जो ट्रायंगल के अंदर होते हैं। तो ये आपके तीनों क्या होंगे, अंतःकोण, और ये तीनों हमारे क्या होंगे, बाह्य कोण होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 120 डिग्री कोण जो दिया हुआ है ये हमें बाह्य कोण दिया होता है, और इसका हम यहाँ पे एक पॉइंट डाल देंगे डी। तो बाह्य कोण देखते हैं कि क्या बनता है हमारा, ए सी बी, जो कि हमें कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें एंगल सी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाह्य कोण होता है ये हमारा अपने कोण के सामने वाले जो दो कोण दिए होते हैं इनका योग होता है, यानी कि 60 डिग्री प्लस एक्स प्लस 10 डिग्री। जो आपके कोण बी और कोण ए जो आपके बाह्य कोण के जस्ट सामने पड़ते हैं, इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो इसके बराबर होगा, 120 डिग्री के बराबर। तो इसे रख दीजिए 120 डिग्री। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 60 और 10 को ऐड कर दीजिए 70। अब हमें क्या करना है, x को हम यही रहने देंगे, और जो हमारा 70 है उसे हम क्या करेंगे, इधर की तरफ ले जाएंगे बराबर के चिन्ह के इस साइड। तो ये हमारा प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 50 डिग्री आ रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे x की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 50 डिग्री आ रही है। तो यदि यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 50 डिग्री आ रही है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे जो एंगल B है उसका मान निकाल लेते हैं। तो एंगल B हमें कितना दे रखा है, x प्लस 10 दे रखा है, और x की जो वैल्यू है कितनी आई है, 50, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 60। यानी कि जो हमारा जो एंगल B है ये कितने डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। तो
अगर हमें यहाँ पे ये 60 डिग्री मिला है और ये हमारा 60 डिग्री पहले से दिया हुआ है, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। अब हमारे पास पहला कोण 60 डिग्री दिया है, दूसरा भी हमें कितना दिया है, 60 दिया है। तीसरी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो तीसरे को आप कुछ भी मान लीजिए, हम लेट कर लेते हैं वाई। तो यहाँ पे हम 60 प्लस वाई डिग्री बराबर तीनों कोणों का योग हमें मिलेगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 प्लस वाई बराबर 180। और यहाँ पे जो हमें y की वैल्यू मिलेगी वह 180 में से 120 घटा दीजिए, तो यहाँ पे हमको वैल्यू कितनी मिलती है, 60 डिग्री। यानी कि जो तीसरा एंगल हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 60 डिग्री मिल रहा है। तो एक तो आपका ये मेथड है कि आप क्या करें, बाह्य कोण की मदद से आप जो है अंदर के कोण निकाल सकते हैं। दूसरा, इसी चित्र में मैं आपको सेकेंड मेथड बता दूं। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सीधी लाइन है और सीधी लाइन पर हमेशा जो कोण बनता है वो टोटल 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे सीधी लाइन दी हुई है और सीधी लाइन पर आपको दो भाग बनाए गए हैं और उसमें से एक भाग यानी कि ये कोण आपका कितना दिया है, 120 डिग्री दिया है। तो आप क्या करेंगे, 180 में से 120 घटा दीजिए। तो यदि हम 180 में से 120 घटाते हैं तो हमें कितना मिलता है, हमको 60 डिग्री मिलता है। और ये हमारा एंगल कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। तो आपका सेकेंड मेथड बहुत छोटा मेथड है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, और जो है आपका ये फर्स्ट मेथड है, आप इसे भी यूज करके एंगल निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।